सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। सुबह से एस्टम ने पूरे जर्नी के अंदर काफी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा है एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारे पोकेमॉन्स का फैक्ट जानने वाले हैं, यानी कि हर एक सिंगल पोकेमॉन का फैक्ट जानने वाले जो कि एस ने कैंटो से गलार तक पकड़े हैं। एंड हाँ, क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर 50 से भी ज्यादा पोकेमॉन्स होने वाले एंड हर एक पोकेमॉन का फैक्ट ढूंढने के लिए काफी मेहनत लग गई, वो भी रैंडम फैक्ट नहीं थे, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के पर्टिकुलर पोकेमॉन के फैक्ट थे। तो हाँ, आज के इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, लाइक में लगते 2000 लाइक्स का होप यू ऑल कंप्लीटेड एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते। Let's get started. फैक्ट नंबर वन, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पॉपुलर पोकेमॉन यानी कि पिकाचू के साथ। तो क्या आपको पता है एश का पिकाचू एश का अभी तक का एक लौता इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, बिकॉज एश ने करंटली किसी भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को नहीं पकड़ा है पिकाचू को छोड़कर, एंड उसको ऐसे स्टार्टर मिला था पिकाचू जो कि सेकंड स्टेज पे था, क्योंकि स्टार्टर तो फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है एश का बटरफ्ली वो सबसे पहला पोकेमॉन था जिसको एश ने पकड़ा था, वो सबसे पहला पोकेमॉन था जो कि एश की टीम में इवॉल्व हुआ था एंड वो सबसे पहला पोकेमॉन था जिसको एश ने रिलीज किया था एंड वो सबसे पहला पोकेमॉन था जिसको एश ने ट्रेड किया था रेडिकेट के साथ। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है पिजोटो ने अभी तक एक भी ऑफिशियल मैच नहीं जीता, मतलब लिटरली उसने सिंगल मैच भी नहीं जीता एंड सिर्फ और सिर्फ पिजोटो के लिए था, बिकॉज पिजोट में इवॉल्व होते एश ने रिलीज कर दिया था, मतलब उसने एक भी बैटल नहीं लड़ी थी। फैक्ट नंबर फोर, तो अगर हम जी मैक्स मूव को छोड़ दे तो क्या आपको पता है एश के चार्जार्ड ने अब तक पोकेमॉन एनीमे के अंदर सबसे ज्यादा मूव इस्तेमाल किया जो कि 17 मूव। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है बल्बसोर वो सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जिसको दो मेन कैरेक्टर ने पकड़ा था जो कि थे एश एंड मे। एंड क्या आपको पता है एश का बल्बसोर अभी तक हर एक रीजन में अपीयर हो चुका है, इवन गलार में भी सिर्फ और सिर्फ कैलोस रीजन को छोड़कर। एंड क्या आपको पता है एश का बल्बसोर अभी तक थर्ड मोस्ट अपीयरिंग पोकेमॉन है पोकेमॉन एनीमे के अंदर पिकाचू एंड म्याउथ के बाद। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपको पता है कौन सा स्टार्टर चूज करने वाला था अगर उसको पिकाचू नहीं मिलता, तो वो होता स्कॉटर, क्योंकि पोकेमॉन के सबसे पहले ही एपिसोड में प्रोफेसर ओक के लैब में जाता है एंड वो खुद ही बोलता है कि मैंने पूरी रात काफी सोचा एंड मेरी स्कॉटल चॉइस है, बट बाद में ऑफकोर्स उसको पता चलता है कि किसी और ने स्कॉटल एंड सारे स्टार्टर्स को लिया, तो उसको बाद में जाके पिकाचू मिल जाता है। फैक्ट नंबर सेवन, तो अगर हम वन ऑन वन बैटल को छोड़ दे तो क्या आपको पता है एश का किंगलरी वो एश का इकलौता ऐसा पोकेमॉन था जिसने पोकेमॉन लीग के एक पूरे मैच को अकेले स्वीप कर दिया था, और वो बैटल थी एश वर्सेस मैंडी के, जो कि इनफैक्ट पोकेमॉन एनीमे की सबसे पहली लीग बैटल भी थी एंड इसी के अंदर उसने तीनों ही पोकेमॉन्स को हरा दिया था मैंडी के। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है इसका सबसे पहला फुली इवॉल्व कैच मक था, क्योंकि उसने इसके पहले फर्स्ट स्टेज या फिर सेकंड स्टेज वाले पोकेमॉन्स को पकड़ा था, आगे जाके वो इवॉल्व हो गए थे। फैक्ट नंबर 10, तो क्या आपको पता है इसके पिजोटो के तरह लैप्रेस ने भी अब तक एक भी ऑफिशियल मैच नहीं जीता, हालांकि एश वर्सेस ड्रेक बैटल में उसने टाई किया था गेंगार के साथ बट जीता नहीं था। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है एश ने ओरिजिनली ऑरेंज आइसलैंड पे सिर्फ एक ही पोकेमॉन पकड़ा था जो कि था स्नोरलैक्स, बिकॉज एश ने लैप्रेस को लीव कर दिया था आगे जाके। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है इसका हेराक्रॉस उन सारे पोकेमॉन में सबसे यूनिक था जिनको एश ने रीजन के अंदर सबसे पहले पकड़ा था, क्योंकि वो सारे पोकेमॉन या तो स्टार्टर या तो फ्लाइंग टाइप है, बट हेराक्रॉस ना ही स्टार्टर था एंड ना ही फ्लाइंग टाइप था, जो कि उसको अपने आप में काफी यूनिक बनाता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है इसका बेलीफ वो ऐसा इकलौता पोकेमॉन था इसका जोटो रीजन के अंदर जो कि उसी रीजन में इवॉल्व हो गया था, मतलब कि बाकी सारे पोकेमॉन इवॉल्व नहीं हुए थे एश के जोटो रीजन वाले। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है इसके क्विलावा ने अभी तक जितने भी पोकेमॉन पोकेमॉन एनीमे में अपीयर हुए उनसे ज्यादा टाइम लगा इवॉल्व होने के लिए, जो कि 507 एपिसोड। फैक्ट नंबर 15, एश का टोटोडाइल उन पोकेमॉन में से एक है जिनको एश ने नॉर्मल पोकेबॉल में नहीं पकड़ा था, क्योंकि एश ने टोटोडाइल को ल्यूर बॉल में पकड़ा था। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है एश का अभी तक का इकलौता शाइनी पोकेमॉन नॉकटाउली है, और पोकेमॉन एनीमे के अंदर सारे शाइनी पोकेमॉन में से नॉकटाउली इकलौता है जो कि पोकेबॉल से बाहर निकलने के बाद स्पार्कल देता है, यानी कि चमकता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है इसका डॉनफेन एश का सबसे पहला एग पोकेमॉन था एंड वो सबसे पहला ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था एश का एंड उसका इकलौता प्योर ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है इसका स्वेलो इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है इसके पिकाचू के बाद ही सेप्टाइल ने सबसे ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ बैटल की है, जो कि टोटल मिलाकर चार लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे। सबसे पहला था डियोक्स, सेकंड था ब्रैंडन का रेजिरॉक, थर्ड टर्टोबियास का डाकरा एंड लाटियोस। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है इसका कॉर्फिश जब भी बबल बीम को इस्तेमाल करता था तो वो हर एक एपिसोड में डिफर करता था, यानी कि उसका कलर अलग होता था हर एक एपिसोड में। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है इसका टॉर्कोल इसका सबसे पहला फायर टाइप पोकेमॉन था जो कि एक स्टार्टर नहीं था, इसके पहले चार्जर्ड एक स्टार्टर था एंड क्विलावा भी एक स्टार्टर था। फैक्ट नंबर 22, तो अगर हम लाइकन रॉक को छोड़ दे तो एश का ग्लेली इकलौता एश का ऐसा पोकेमॉन था जिसके पास ब्रांच एवोल्यूशन था, यानी कि वो फ्रोस्लेक्स में इवॉल्व हो सकता था या तो ग्लेली में। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है इसका स्टार रेप्टर स्टारली के फॉर्म में ऐसा इकलौता पोकेमॉन था जिसको एश ने पिकाचू के मौजूदगी के बिना ही पकड़ लिया था, मतलब वहां पे पिकाचू मौजूद नहीं था एंड एश ने स्टारली को पकड़ लिया था। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है इसका ग्रोटल जब से टॉटरा में इवॉल्व हुआ था तब से वो एक भी बैटल नहीं जीता था, ना ही ऑफिशियल ना ही अनऑफिशियल। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है इसका इन्फर्नो ने अपने अभी तक एश के किसी भी पोकेमॉन से ज्यादा बार अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट किया है, जो कि थी ब्लेज एबिलिटी जिसको उसने टोटल मिला के 5 बार एक्टिवेट किया था। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको पता है एश के ब्यूजल को वही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है जिसने एश के सीनो राइवल यानी
की पॉल को डब किया था इंग्लिश एंड जैपनीज दोनों में। फैक्ट नंबर 27, क्या आपको पता है इसका ग्लैशकोर ऐसा इकलौता ऐसा पोकेमोन है जो कि इवॉल्व हुआ था एक आइटम के थ्रू जो कि था रेजर फैंग। फैक्ट नंबर 28, तो आपको पता होगा कि गिबल के पास एक हैबिट थी सबको बाइट करने की, मतलब कि ऐश के सर को हमेशा बाइट करता रहता था टोटोडाइल के तरह। बट क्या आपको पता है उसके इस हैबिट के बावजूद भी उसके पास बाइट मूव नहीं है। फैक्ट नंबर 30, क्या आपको पता है ऐश का अनफ्रीजेंट ऐश का सबसे पहला ऐसा फीमेल पोकेमोन था जो कि स्टार्टर नहीं था, क्योंकि इससे पहले बेली फैंस टाइवी स्टार्टर थे। फैक्ट नंबर 30, क्या आपको पता है ऐश के ओशवर्ड को हाइड्रोफोबिया था, यानी कि उसको पानी से डर लगता था मिस्टिक के साइडक के तरह, एंड इसी वजह से जब भी वो पानी में जाता था अपने आंखों को बंद कर लेता था एंड एक्वा जेट मूव का इस्तेमाल करते भी अपने आंखों को बंद कर लेता था, बट आगे जाके ऐश के हेल्प से उसने इस फियर को ओवरकम कर लिया। फैक्ट नंबर 31, क्या आपको पता है जब ऐश ने पिगनाइट को टैपिक के फॉर्म में पकड़ा था तो उसको फायर टाइप का सबसे बेसिक मूव यानी कि फ्लेम थ्रोअर भी नहीं आता था। फैक्ट नंबर 32, क्या आपको पता है ऐश का स्नाइवी ऐश का इकलौता यूनिवर्स स्टार्टर था जिसको उसने बैटल करके पकड़ा था, बाकी के दोनों स्टार्टर उसको ऐसे ही मिल गए थे। फैक्ट नंबर 33, क्या आपको पता है इसका स्क्रैगी सबसे पहला डार्क टाइप पोकेमोन था जिसको किसी मेन कैरेक्टर ने पकड़ा था, इसके बावजूद भी उसको एक भी डार्क टाइप मूव नहीं आता था। फैक्ट नंबर 34, क्या आपको पता है इसकी लिवैनी इकलौती ऐश की बग टाइप पोकेमोन थी जिसने अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया था। फैक्ट नंबर 35, क्या आपको पता है इसका पालपिटोड ऐश के स्क्वाडल के साथ कुछ सिमिलैरिटीज को शेयर करता था, जैसे कि स्क्वाडल एंड पालपिटोड दोनों ही वाटर टाइप पोकेमोन है, दोनों ही ग्रुप में रहते थे एंड दोनों ही उस ग्रुप के लीडर थे। फैक्ट नंबर 36, क्या आपको पता है बोल्डर ऐश का सबसे पहला रॉक टाइप पोकेमोन था एंड वो ऐसा इकलौता ऐश का पोकेमोन है जो कि ट्रेडिंग से इवॉल्व होता है। फैक्ट नंबर 38, क्या आपको पता है ऐश का क्रोकोडाइल अभी तक ऐश का इकलौता डार्क टाइप पोकेमोन है जिसने डार्क टाइप का मूव्स भी इस्तेमाल किया, मतलब कि और भी डार्क टाइप पोकेमोन से बट उन्होंने मूव कभी भी नहीं इस्तेमाल किए। फैक्ट नंबर 38, क्या आपको पता है जब ऐश का टैलेंट फ्लेम दोनों बार इवॉल्व हुआ था तो दोनों ही बार उसके सामने फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन थे, जैसे कि फ्लेचलिंग जब इवॉल्व हुआ था तो वो बैटल कर रहा था टैलेंट फ्लेम के साथ जो कि उसका एवोल्यूशन है जो कि फायर एंड फ्लाइंग टाइप का, एंड अगेन वो मॉर्टल्स के साथ बैटल करते वक्त टैलेंट फ्लेम में इवॉल्व होता था जो कि दोनों ही फायर एंड फ्लाइंग टाइप के पोकेमोन है। फैक्ट नंबर 39, क्या आपको पता है ऐश का हुलूचा इसका सबसे पहला ऐसा फ्लाइंग टाइप पोकेमोन था जिसके पास ना ही एवोल्यूशन था ना ही प्री एवोल्यूशन था, मतलब कि उसका वन स्टेज पोकेमोन था। फैक्ट नंबर 40, क्या आपको पता है इसका नोइवन ऐश का कैलोस का इकलौता ऐसा पोकेमोन था जिसने किसी भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब कि ऐश ने कभी भी इसको यूज नहीं किया किसी भी जिम बैटल में। फैक्ट नंबर 41, ऐश का गुडरा सबसे पहला ऐसा पोकेमोन था ऐश का जो कि रिलीज करने के बाद वापस आया था, मतलब पहले तो ऐश अपने गुडरा को रिलीज कर देता है अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखने के लिए, बट आगे जाके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल नाम के एपिसोड के अंदर उसको गुडरा वापस मिल जाता है सिक्स पोकेमोन के तरह यूज करने के लिए कैलोस रीजन में। फैक्ट नंबर 42, क्या आपको पता है राउलेट ऐश का इकलौता ऐसा फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है जो कि फुली इवॉल्व नहीं हुआ है, उसके सारे के सारे फ्लाइंग टाइप फुली इवॉल्व है सिर्फ और सिर्फ राउलेट को छोड़कर। फैक्ट नंबर 43, आपको यह बात तो पता होगी कि रॉक टाइप पोकेमोन वाटर के खिलाफ वीक होते हैं, बट ऐश के लाइकन रॉक के साथ ये केस नहीं है, काफी इजीली स्विम कर सकता है जो कि हमें पता चला था पिकाचूस एक्साइटिंग एडवेंचर नाम के एपिसोड के अंदर। फैक्ट नंबर 44, क्या आपको पता है जब ऐश का इंसिनर और लिटेन से टोरकेट में इवॉल्व हुआ था तो ग्लो नहीं हुआ था, बल्कि वो काफी बड़े फ्लेम में फंस गया था फिर जाके वो इवॉल्व हुआ था, बल्कि नॉर्मली पोकेमोन ब्लू कलर में ग्लो होकर इवॉल्व होते हैं, एंड क्या आपको पता है ऐश का इंसिनर दोनों टाइम को कोई से बैटल करते वक्त इवॉल्व हुआ था। फैक्ट नंबर 45, ऐश का मेलमेटल अब तक का ऐश का इकलौता मिथिकल पोकेमोन है या फिर लेजेंडरी पोकेमोन, क्योंकि ऐश ने अभी तक इतने पावरफुल पोकेमोन को नहीं पकड़ा है। फैक्ट नंबर 46, क्या आपको पता है ऐश का ग्रिंजा अब तक का ऐसा इकलौता ऐश का पोकेमोन है जिसने किसी चैंपियन के एस पोकेमोन से बैटल किया जो कि दियांथा का गार्डिवॉर, एंड उसने नियरली गार्डिवॉर को हरा भी दिया था, एंड वो ऐसा इकलौता पोकेमोन है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर। फैक्ट नंबर 47, क्या आपको पता है ऐश ने अपने नागा नाडेल को ना ही रिलीज किया ना ही किसी के साथ ट्रेनिंग पे छोड़ा, मतलब कि वो ऐश का ही पोकेमोन है बट फिर भी प्रोफेसर कोकोई के लैब में नहीं रहता अदर पोकेमोन के साथ। फैक्ट नंबर 48, क्या आपको पता है ऐश का ड्रैगनेट करेंटली उसका इकलौता सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है क्योंकि उसने गुडरा को लीव कर दिया था एंड ना ही गिबल इवॉल्व हुआ है। फैक्ट नंबर 49, क्या आपको पता है ऐश के गेंगार का कलर अलग है, ना ही शाइनी पोकेमोन का तरह ना ही नॉर्मल गेंगार के तरह है, मतलब नॉर्मल गेंगार इस कलर का होता है शाइनी गेंगार इस कलर का होता है, बट ऐश के गेंगार का कलर कुछ अलग है, मतलब तो ज्यादा ब्राइट पर्पल है। फैक्ट नंबर 50, क्या आपको पता है ऐश ने गलार में फर्स्ट टाइम किसी रीजनल फॉर्म पोकेमोन को पकड़ा है जो कि था ऐश का गलारियन फारफेच। इससे पहले ऐश ने कभी भी किसी प्रीवियस पोकेमोन का रीजनल फॉर्म नहीं पकड़ा था, हालांकि आगे जाके इवॉल्व हो जाता सरफेच में। फैक्ट नंबर 51, क्या आपको पता है ऐश ने लुकारियो को रियोलो के फॉर्म में पकड़ा था जो कि अभी करंटली ऐश का इकलौता बेबी पोकेमोन है, और ऐश का गलार का सबसे पहला ऐसा कैच था जो कि फुली इवॉल्व नहीं था, इससे पहले ड्रैगनाइट एंड गेंगार फुली इवॉल्व थे। और फाइनली फैक्ट नंबर 53, क्या आपको पता है ऐश का ड्रैगोविश ऐश का अभी तक का इकलौता फॉसिल पोकेमोन है। और फैक्ट नंबर 54, क्या आपको पता है ऐश का एपो मैच के प्राइम एप के साथ काफी सारे सिमिलैरिटी को शेयर करता है, जैसे कि दोनों ही पोकेमोन ऐश के कैप को लेकर भाग जाते थे, दोनों ही पोकेमोन दूसरे ट्रेनर के पास दे दिए गए ट्रेनिंग के लिए, और हाँ दोनों ही मंकी पे बेस्ट पोकेमोन है, हालांकि अभी ऐश का ऑफिशियल पोकेमोन नहीं है बट एक टाइम के लिए तो था ही। वेल तो गाइस ये थे ऐश के हर एक पोकेमोन के फैक्ट, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड हाँ लाइक एंड कंप्लीट करा देना जो कि 2000 लाइक्स का। तो हाँ मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ, अंटिल देन पीस आउट।